All right. Good afternoon, everyone. Today we will start with a new chapter, that is enriching vocabulary. First of all, let us know what is vocabulary, basically. Vocabulary is a person's knowledge of words. Basically, जो इंसान के पास या एक इंसान किसी भी आदमी के पास जो नॉलेज होता है वर्ड्स के बारे में उसको वोकैबुलरी कहा जाता है. इट मे बी एनीवन, नॉट नेसेसरी टू बी जस्ट लैंग्वेज यूजर, एंड इट्स रियली वेरी यूजफुल टू हैव अ गुड वोकैबुलरी बिकॉज टुडे वी कांट कीप अप विदाउट एनी गुड ट्रेजरी ऑफ वर्ड्स इन आवर माइंड्स. बेसिकली आज के दिन हर सेक्टर में, हर पड़ाव में लाइफ के एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे अगर आपके पास गुड वर्ड्स नहीं होंगे. ऑलराइट, सो बेसिकली ये चीज़ है. आप लोगों को मेरी आवाज़ आ तो रही है ना? Yes, sir. ओके. Vocabulary topics. Number one, choice of words. Number two, synonyms, antonyms, homophones, homonyms, single word for group of words, that is one word substitution. Then word frequency, misspelt, idioms and phrases, proverbs, foreign words and phrases commonly used, and abbreviations. Choice of words. The words you would choose to communicate with someone depends on the following factors. So, kya kya factors hai dekhte hain? The range of repertoire of your vocabulary. Unless you know a word, you won't be able to use it. Matlab, ek word ka true meaning janna padega. Usko kahan kahan use kar sakte hain, wo janna padega. Aur ye sab kuch janne ke baad hi इसको यूज किया जा सकता है. सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय द रेंज ऑफ रिपोर्टर ऑफ योर वोकैबुलरी. योर ऑडियंस और पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद. फर्स्टली यू मस्ट असेस द लिटरेसी लेवल ऑफ योर ऑडियंस और पर्सन. आप जिससे बात कर रहे हो, आप उनका, अगले इंसान का लिटरेसी लेवल यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको चेक करना पड़ेगा. अगर आप देख रहे हो कि इंसान को, अगले इंसान को वो नॉलेज नहीं है, तो उनसे वो बातें करके फायदा नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द लिटरेसी लेवल ऑफ योर ऑडियंस. देन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर इन, वेदर द ऑडियंस और पर्सन इज सीनियर और जूनियर टू यू. वो ऑडियंस आपके सीनियर है या जूनियर है. वेदर यू आर फॉर्मल और इनफॉर्मल विद देम, आप उनके साथ फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, एटसेट्रा. दीज कंसिडरेशंस विल हेल्प यू जेंटली इन द चॉइस ऑफ वर्ड्स. ये सब चीज़ें देखने के से आप लोगों को चॉइस ऑफ वर्ड्स मिलेगा और आप अपने चॉइस से उनसे उस धर्रे में बात कर सकते हो. ऑलराइट, नेक्स्ट है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. वेदर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, ओरल और रिटन, these factors will also influence your choice of words. Communication ka type yani formal hai ya informal hai, oral hai ya written hai, ye sab factors influence karenge aapke choice of words. Next hai message you intend to convey. The urgency, disappointment, the level of accuracy required, etc. can also be conveyed through the apt words. पर्टिकुलर राइट वर्ड्स राइट जगह पे यूज करने से आप करेक्ट वर्ड्स यूज कर सकते हो, और करेक्ट वर्ड यूज करने से आप उसको मतलब क्या बोलते हैं, अर्जेंसी एंड डिसअपॉइंटमेंट को हटा सकते हो. देयरफॉर दिस टू विल इन्फ्लुएंस योर चॉइस ऑफ वर्ड्स. नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट एंड यूजेज. सर्टेन वर्ड्स कैन ओनली बी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. And if they are used otherwise, they would convey the wrong sense. कुछ words ऐसे होते हैं जो कुछ जगहों पे ही use हो सकते हैं, हर जगह पे use नहीं हो सकते.
ऐसे में क्या होता है, तब आप उनको उन पर्टिकुलर जगहों पे यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर दूसरे जगह पे करोगे तो उसका गलत इम्पैक्ट या गलत मीनिंग समझ में आएगा. नेक्स्ट है रीजनल और नेशनल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज और कनोटेशन, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस योर चॉइस ऑफ वर्ड्स. बेसिकली क्या होता है, लिबरल इन द ब्रिटिश हैज अ पॉजिटिव मीनिंग. लिबरल ब्रिटिश में, ब्रिटेन में, बेसिकली ब्रिटेन में एक पॉजिटिव मीनिंग होता है. इट मीन्स जेनरस एंड ओपन माइंडेड. इट मीन्स जेनरस और ओपन माइंडेड माने बड़े दिमाग का, खुले दिमाग का. वेयर एज इन अमेरिका इट इज यूज्ड एज अ टर्म ऑफ पॉलिटिकल अब्यूज. अमेरिका में इसको पॉलिटिकल अब्यूज, मतलब पॉलिटिकली अब्यूजिव टर्म हिसाब से यूज किया जाता है. ऑलराइट, सो रीजनल और नेशनल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज ये भी जानना बहुत जरूरी है. इम्प्रूविंग वोकैबुलरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट और एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड्स. मतलब आपको उसका रूट या फिर कहाँ से उसका ओरिजिन है ये सब आपको जानना पड़ेगा. गुड डिक्शनरीज गिव ऑल द चांसेस या सॉरी चेंजेस दैट रूट वर्ड्स कैन अंडरगो. एक गुड डिक्शनरी आपको ऑल द चेंजेस दिखाते हैं एक वर्ड जा सकता है उसका. ये चीज आप लोगों को समझ में आई? समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? आर यू बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर. ऑलराइट, नेक्स्ट टिप्स फॉर चूजिंग द राइट वर्ड्स. वो क्या क्या है? नंबर वन, सिंप्लिसिटी. अगर आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करोगे तो फिर जरूरी तो नहीं है ना कि सबको उसका मीनिंग पता होगा. ऐसे वर्ड्स यूज करना चाहिए जो फटाक से यानी क्विकली समझ में आए, सब कोई उसको समझ पाए और सब कोई उसका रिस्पॉन्स दे पाए, ठीक है. अगर आप सिंपल वर्ड्स यूज करोगे तो फिर आपके लिए क्या होगा, नंबर वन आपके लिए भी इजी होगा समझाना, एंड नंबर टू जिनको आप समझाना चाहते हो उनके लिए भी समझ में आना इजी होगा और वो उस उन वर्ड से फेमिलियर होंगे यानी वेल अकस्टम्ड होंगे. तो फिर नंबर वन इज सिंप्लिसिटी. यूज फेमिलियर वर्ड्स. यूज फेमिलियर वर्ड्स मतलब अगर मान लो कि ऐसे वर्ड्स यूज करना सही होगा जिससे आप वेल अकस्टम्ड. हम अगर ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे आपको पढ़ाने के लिए जिनका आपको ना मीनिंग पता है ना ओरिजिन पता है ना क्यों बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो आई होप आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं. इसलिए अनफेमिलियर वर्ड्स या फिर ऐसे वर्ड्स जिनको जो आप उसके साथ वेल अकस्टम्ड नहीं है वैसे वर्ड्स नहीं यूज करना चाहिए मुझे क्लास में. उसी तरह जब आप वोकैबुलरी अपनी जग अपने बातों को कर रहे हो या किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो ऐसे वर्ड्स यूज कीजिए जिनसे वो भी फेमिलियर हो और आप भी फेमिलियर हो. नंबर थ्री इज जार्गन. जार्गन इज द लैंग्वेज दैट इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज. मतलब जार्गन क्या होता है, एक लैंग्वेज दैट इज यूनिक जो कि खास होता है, यूनिक होता है, स्पेशल होता है टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज. एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज है, एग्जाम्पल साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, ट्रेड और अ प्रोफेशन, ये सब कुछ एटसेट्रा. देयर इज फॉर इंस्टेंस लीगल जार्गन, मिलिट्री जार्गन एंड पॉलिटिकल जार्गन. फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे जार्गन हो सकते हैं, लीगल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल. For example, the word operation takes on different meanings depending on the context in which it is used. ये जो word होता है operation,
उसका डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जहां वो यूज होता है. शुड वी अवॉइड ऑल द जार्गन इन आर राइटिंग? क्या हम लोगों को अपने राइटिंग से सारे जार्गन यूज करना बंद कर देना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? द क्वेश्चन इज नॉट इजी टू आंसर. ये क्वेश्चन इजी नहीं है आंसर करने के लिए. जार्गन हैज टू पार्ट्स. वन इज द प्राइवेट लैंग्वेज दैट ओनली द पर्सन इन पर्टिकुलर फील्ड कैन अंडरस्टैंड. जो पर्सनल जार्गन होगा या प्राइवेट जार्गन होगा, जो जिसको डेडिकेट करके बोला जा रहा है या समझाया जा रहा है, सिर्फ उनको समझ में आएगा. समझ में आया? तो हर टाइप का जार्गन अलग होता है. जस्ट अ मिनट. द अदर इज वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज बाई द पब्लिक. द अदर इज वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द जनरल लैंग्वेज यूज बाई द पब्लिक. जो जनरल लैंग्वेज में वाइडर यूज वर्ड्स हैं, सर्टेन फ्रेजेस हैं, उनको पब्लिक में यूज किया जा सकते हैं. देयर कैनॉट बी एनी ऑब्जेक्शन इफ दिस काइंड ऑफ जार्गन इज यूज इन राइटिंग. ऐसे जार्गन अगर राइटिंग में भी यूज किया जाए तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता. अच्छा, अवॉइड यूजिंग सुपरफ्लुइस वर्ड्स और वर्बोसिटी. वर्बोसिटी इसका क्या मीनिंग होता है? एन एक्सप्रेसिव स्टाइल दैट यूजेस एक्सेसिव और सुपरफ्लुइस वर्ड्स. मतलब एक एक्सप्रेसिव स्टाइल होता है जहां पे एक्सेसिव या फिर क्या बोलते हैं आपके, सुपरफ्लुइस वर्ड्स यूज होते हैं. और यूजिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी इन अ कॉमन वीक इज अ कॉमन वीकनेस. मतलब जरूरत से ज्यादा वर्ड्स यूज करना, ये सबसे कॉमन वीकनेस हो जाता है इस जगह पे. द स्पीकर और राइटर यूजेस मोर वर्ड्स दैन नीडेड इन द होप ऑफ डाइवर्टिंग और रिटेनिंग ऑडियंसेस. जो स्पीकर है या राइटर है वो यूज करता है मोर वर्ड्स इस उम्मीद पे कि डाइवर्ट करने के लिए या फिर रिटेन करने के लिए ऑडियंस को, या तो उनका ध्यान भटकाने के लिए या उनको पकड़ के रखने के लिए. दिस टेंडेंसी इज सीन इन राइटिंग टू. ये राइटिंग में भी देखी जा सकती है. इट हैज बीन वेल डिफाइंड एज एन एक्सटेंशन ऑफ पार्किंसंस लॉ वर्ड्स. ये एक्सटेंसिव क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन दिखाई कहा गया है पार्किंसंस लॉ वर्ड्स में. ठीक है. नॉट डू क्या बोलते हैं, नेसेसरी टू ग्रेटर क्लैरिटी. अच्छा, ज्यादा वर्ड्स का ये मतलब नहीं है कि आपको ज्यादा क्लियरली वो समझ में आएगा. क्लैरिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है. चूज शॉर्ट वर्ड्स. अकॉर्डिंग टू स्टडीज ऑफ रीडेबिलिटी, शॉर्ट वर्ड्स आर यूज बेटर क्या बोलते हैं, यूज इन कम्युनिकेशन देन लॉन्ग वर्ड्स. मतलब बेसिकली आप छोटे शब्द चुनोगे तो फिर आप बेटर कम्युनिकेट कर पाओगे, बेटर समझा पाओगे. अगर आप बड़े वर्ड्स यूज करोगे तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि आप बेटर समझा पाओगे या बेटर कम्युनिकेट कर पाओगे. इसीलिए चूज शॉर्ट वर्ड्स. सिलेक्ट वर्ड्स फॉर प्रिसाइज मीनिंग. आप मान लीजिए वर्ड सन, S-U-N, सन. S-U-N, सन का मतलब होता है सूरज. S-O-N, सन. S-O-N, सन का मीनिंग होता है बेटा. अगर आप क्या बोलते हैं S-U-N, सन गलत जगह पे यूज करोगे जहां पे आपको S-O-N यूज करना चाहिए था, तो फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. इसीलिए सिलेक्ट वर्ड्स फॉर प्रिसाइज मीनिंग. सही वर्ड्स यूज करो सही मीनिंग बैठाने के लिए. यही बेसिक मीनिंग है इस पॉइंट का. यूज जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स. आपके वर्ड्स ऐसे होने नहीं चाहिए जिससे समझ लगे कि आप क्या बोलते हैं मतलब जिससे आप जेंडर न्यूट्रल रह सको. एक मिनट होल्ड करना.
सॉरी मिनट, मुझे थोड़ा 2 मिनट के लिए पॉज करना पड़ा. नेक्स्ट देखो इधर, सिनोनिम्स. सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव वेरी, क्या बोलते हैं, दे आर नॉट सेम मीनिंग वर्ड्स. बेसिकली उनका मीनिंग बहुत क्लोज होता है. तो सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव वेरी नियरली द सेम मीनिंग बट नॉट द सेम. दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट वर्ड्स बट दे कैन बी यूज, मतलब दे आर वर्ड्स दैट आर नियर बाई ईच अदर या फिर क्लोज टू ईच अदर. जैसे कि ईजी, सिंपल, लाइट, एफर्टलेस, फेसाइल, स्मूथ, ये सब सिनोनिमस हैं. एफर्ट, एक्सर्शन, पेन, स्ट्रगल, ये सब सिनोनिमस हैं. इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, सपल, स्प्रिंगी, रेजिलियंट, ये सब सिनोनिमस हैं. तो ऐसे वर्ड्स जो कि सेम मीनिंग के तो ना हो लेकिन बहुत क्लोज मीनिंग के हो, इनको सिनोनिमस वर्ड्स कहा जाता है. जैसे एडेप्ट, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, एब्स्टेन, रिफ्रेन, विथहोल्ड, एब्रिज, शॉर्टन, कर्टल, ये सब सिनोनिमस वर्ड्स हैं. ये सब आप घर में गो थ्रू करोगे. अभी सारे वर्ड्स अगर हम रीड आउट करेंगे तो क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगा. नेक्स्ट देखिए एंटोनिम्स. एंटोनिम इज अ वर्ड ऑपोजिट और कॉन्ट्ररी इन मीनिंग टू अनदर वर्ड. एक वर्ड का ऑपोजिट वर्ड या कॉन्ट्ररी वर्ड को कहा जाता है एंटोनिम. ठीक है, जैसे सॉफ्ट का होता है हार्ड. ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स अगेंस्ट हॉट ड्रिंक्स, सॉफ्ट कलर्स अगेंस्ट ब्राइट अगेंस्ट ब्राइट कलर्स, सॉफ्ट टोन्स अगेंस्ट वियर्ड टोन्स, सॉफ्ट टेक्सचर अगेंस्ट रफ टेक्सचर, सॉफ्ट लाइट अगेंस्ट ग्लेयरिंग लाइट. सिमिलरली द ऑपोजिट वर्ड ऑफ स्लेंडर केन वुड बी थिक केन. स्लेंडर मतलब पतला. अ स्लेंडर मैन वुड बी अ फैट मैन. अ स्लेंडर चांस कुड बी अ ब्राइट चांस. द लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स है एबिलिटी, इनएबिलिटी, एबल, अनएबल, abnormal, normal, accurate, inaccurate, bankrupt, solvent, economical, extravagant, intelligent, dilatory or lazy. तो फिर exit, entrance, enter, तो ये सब भी आप लोग go through करोगे घर में. Next आते हैं, ये सारे examples हैं इसीलिए. Homophone. The word homo means same and phone means sound. Homophones are two words that sound the same but have different meaning. मतलब दो वर्ड जो साउंड करते हैं सेम लेकिन उनका मीनिंग होता है अलग, उन्हें कहा जाता है होमोफोन. But have different meaning. अच्छा, for example, the words two, two, eight, eight, there, there, in, in. Ring, ring, more or more difficult, like principal, principal, stationary, stationary, except, except. There are all, these are all homophones. Matlab, they sound similar but are different. These words have to be cautiously used while writing. Examples mein dekho, access, access. Access matlab, the workers could access the manager freely, yani approach. Excess matlab the production is far in excess to the target, more than. Advice. Advice is a noun to the end sound is s. Anyone can offer advice. Advice is a verb and the end sound is z. Z. My father advised me to work hard. Eight, eight. Eight matlab khaliya, eight matlab number eight. Bear, bear. Bear matlab, if something is bare, means that it is not covered or decorated. Man lo,
आई टच्ड द फ्लेम विथ माई बेयर हैंड, मतलब मैंने अपने नंगे हाथों से आग को पकड़ लिया, तो मेरा हाथ जल जाएगा. और ये बी एयर बेयर वाला हो जाता है अ लार्ज मैमल, जो भालू जिसको कहा जाता है. सेल सेल, ये सेल होता है इंसान का स्मॉलेस्ट, जो ये होता है आपका स्मॉलेस्ट एक सेल, उसको कहा जाता है सेल. इस सेल का एक और मीनिंग भी होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने कहा इसको छोड़ के, अ सेल इज अ स्मॉल एरिया और रूम, या फिर यूजुअली अ प्रिजन, इसको भी सेल कहा जाता है. और ये एसी डबल एल सेल वाला जो वर्ब है, ये क्या होता है, टू बाई, बाई करने के बाद जो सेलिंग करते हैं वो बड़ा सेल है. आप देखो होमोनिम, देयर्स अनदर वर्ड दैट ब्रिंग्स विद होमो विच स्पीकर्स ऑफन कंफ्यूज विद होमोफोन आर नोन एज होमोनिम. अगेन द वर्ड होमो मीन्स सेम. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. मेरी आवाज आ रही है ना? कैन यू हियर मी? यस सर. ओके, होमोनिम. देयर्स अनदर वर्ड दैट ब्रिंग्स विद होमो विच स्पीकर्स ऑफन कंफ्यूज विद होमोफोन आर नोन एज होमोनिम. अगेन द वर्ड होमो मीन्स सेम, बट निम मीन्स नेम, यानी सेम नेम. अ होमोनिम इज अ सिंगल वर्ड विद वन स्पेलिंग That has more than one meaning, जिसका एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है. ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो नर्वस अबाउट वॉचिंग दिस गेम, आई कांट बेयर टू वॉच द लास्ट मिनट. मतलब आई एम वेरी नर्वस गेम देखने के लिए, लेकिन लास्ट मिनट पे क्या होता है ये हम नहीं देख सकते हैं. एड्रेस, एड्रेस, आई कैन गिव यू द एड्रेस ऑफ अ गुड अटर्नी, दैट लेटर वॉज एड्रेस्ड टू मी. ये दोनों अलग अलग एड्रेस सेंस में यूज किया गया. ब्रांड, ब्रांड, द ब्रांड वॉज प्लेइंग ओल्ड बीटल्स सॉन्ग, मतलब बीटल्स जो ब्रांड है ओल्ड बीटल्स का सॉन्ग बज रहा था. शी ऑलवेज ट्राइज हर हेयर, टाइज हर हेयर बैक इन अ बैंड, मतलब वो बैंड बांधती है हेयर में. बैट, बैट, आई एम अफ्रेड ऑफ बैट्स, मुझे चमगादड़ों से डर लगता है, वो वाला बैट. ये फर्स्ट वाला बैट होता है. सेकंड वाला, इट इट्स हिज टाइम एट द बैट इन द मेजर लीग्स, मतलब उसका बारी है. मान लो सचिन की बात हो रही है, उसकी बारी है अब बैटिंग करने की, वो वाला बात बोल रहे हैं. तो ये सब गो थ्रू करना आप घर में. सिंगल वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द स्किल टू सब्स्टिट्यूट अ सिंगल वर्ड फॉर मेजोरिटी हेल्प्स द स्पीकर और राइटर एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ बेटर. ये जो स्किल होता है या टैलेंट होता है क्या बोलते हैं, स्पीकर का या राइटर का अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बेटर, इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूटिंग अ सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रीड, इनऑर्डिनेंस, इनऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, डिजायर टू गेन एंड होट वेल्थ. अवेरिस, इसको क्या कहा जाता है, अवेरिस. फिर क्या 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 बोलते हैं, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जो चीज फोर्स से नहीं ले जा सकते उसको क्या बोलते हैं, इनप्रेग्नेबल. क्या बोलते हैं, इनप्रेग्नेबल. इम, आई एम इम, पी आर जी, प्रेग्नेबल. फिर वन हु लर्न्स अ सब्जेक्ट एज अ हॉबी, एमेटर, ए एम ए टी ई यू आर, एमेटर कहा जाता है इसको. दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, फ्रजाइल. फिर क्या बोलते हैं, प्लेजेंट साउंड, यूफोनी, यूफोनी, ई यू पी एच ओ एन वाई, यूफोनी. फिर देखो
सारे नहीं करा रहे, कुछ कुछ बोल रहे हैं. द प्लेस वेयर एन एरोप्लेन इज हाउस्ड, जहां पे एक एरोप्लेन को गैराज में रखा जाता है. एरोप्लेन गैराज को क्या कहा जाता है? हैंगर, HANGAR. सर और भी आपके पास वर्ड्स हैं, इनको गो थ्रू करना. वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड. अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, स्पेलिंग इज हार्ड एंड मिसस्पेलिंग्स आर नॉट ओनली कॉमन बट ऑल्सो ऑकवर्ड इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट. मतलब स्पेलिंग्स ना सिर्फ हार्ड होते हैं बट प्रोफेशनल लाइफ में या प्रोफेशनल एरिया में ये थोड़े ऑकवर्ड भी हो जाते हैं. When you receive an email or document with spelling errors, it is difficult to trust the person sending it. आपको अगर कोई ईमेल या फिर डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, तो फिर जो लिख रहा है उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. करेक्ट स्पेलिंग यूज्ड इन रिटन कम्युनिकेशन शोज द अटेंशन एज वेल एज लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द पर्सन सेंडिंग इट. ये ना सिर्फ अटेंशन बल्कि जिस जो भेज रहा है उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी शो करता है. देखिए इधर क्या क्या स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा करके लोग करते हैं. एबसेंस, ABSENCE, ये है करेक्ट वर्ड. एबसेंस का मिसस्पेल क्या करते हैं? ABSANCE, एबसेंस. ABCENSE, एबसेंस. अकोमोडेट, ACCOMODATE. कोई कोई लिखता है ACCOMODATE, डबल एम का बन गया सिंगल एम. ACHIEVE, अचीव, उसका क्या लिखते थे लोग? ACHEIVE, अचीव. ई पहले चला गया, आई बाद में आ गया. CALENDAR, कैलेंडर, वो क्या बन गया? CALENDER, DAR का बन गया DER. LIAISON, लिएजन, ये होता है स्पेलिंग. LIAISON, ली ए जॉन, वो क्या बन गया? LIASON, लिएजन. रिसिप्ट, RECEIPT, रिसिप्ट, ये कैसे क्या हो गया? RECIEPT. टुमारो, TOMORROW, वो क्या बन गया? TOMMORROW. TOMOROW. तो ये सब यूजुअली करते हैं लोग, मिसस्पेल कर देते हैं वर्ड्स को. प्रोनंसिएशन, इंग्लिश इज एन इनफेमसली डिफिकल्ट लैंग्वेज टू स्पेल एंड प्रोनंस. मतलब ये इनफेमस भी है थोड़ा बहुत, और इसमें स्पेलिंग जानना एंड प्रोनंस करना भी मुश्किल होता है थोड़ा. स्टूडेंट्स आर ऑफन क्या बोलते हैं, bewildered by the seemingly anarchic sound or spelling system of English. मतलब इससे डर भी जाते हैं और इससे दब भी जाते हैं. तो इससे क्या होता है? There are often, this often seem to be more exceptions than the rules. इसमें ज्यादा करके exceptions होते हैं rules से. And the mastery of accurate spelling and pronunciation appears are daunting and demotivating task. मतलब ये ज्यादा करके बहुत difficult and जो इंसान के motivation को नष्ट कर दे ऐसा task बन जाता है. Though there is a relationship between a sound and the way it is expressed in writing, the same sound is often conveyed through different spellings. समझ में आया? देखते हैं. For example, the sound in the middle of the word steep, STEEP, and breach, BRECH, is the same and phonetically should be I in the dictionary. The letter A may be pronounced in different ways. इस मतलब इसको डिफरेंट वेज में प्रोनाउंस किया जाता है. इन वर्ड्स लाइक ब्रैग, BRAG, ब्रैग, FLAP, फ्लैप, GREB, ग्रैब, HAVE, हैव, एटसेट्रा, द साउंड इज फोनेटिकली शोन एज AE, ऐसे. इन बार्ज, BARGE, बार्ज, FALSE, फॉल्स, हाफ, HALF, हाफ, ASK, आस्क, एटसेट्रा, एज
ए, डायरेक्ट ए यानी अ साउंड आता है उसमें. इन वर्ड्स मे, ट्रे, स्टे, वे एटसेट्रा एज ई आई ई, मे, स्ट्रे, ट्रे, स्टे, वे. देखो एक ई साउंड आ रहा है साथ में. इन कॉल फ्लॉ, रॉ, टॉक एटसेट्रा एज ओ, ओ साउंड आता है. ऑल, कॉल, फ्लॉ, रॉ, टॉक, तो एक ओ साउंड आता है साथ में. तो ये हम लोगों को जानना जरूरी है. गुड डिक्शनरीज ऑल्सो हैव अ फोनेटिक चार्ट. गुड डिक्शनरीज में एक फोनेटिक चार्ट भी होता है विच हेल्प्स टू लर्न द करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. ये करेक्ट प्रोनंसिएशन लर्न करने में जिससे हेल्प हो. स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग एरर्स को आप लोग गो थ्रू करोगे. ये बहुत इजी है. इधर डिफरेंट स्पेलिंग्स है, ये सब डिस्कस किया हुआ है. एग्जाम्पल्स है बेसिकली. स्ट्रेस एंड रिदम. अ सिलेबल इज अ मिनिमम रिदमेटिक साउंड ऑफ अ स्पोकन लैंग्वेज. क्या होता है सिलेबल, क्या होता है मिनिमम रिदमिक साउंड होता है स्पोकन लैंग्वेज का. अ वर्ड मे हैव वन और मोर सिलेबल्स. एक वर्ड का एक से ज्यादा सिलेबल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल देर इज ओनली वन सिलेबल इन फेम, नेम, क्लेम, ट्रेन एटसेट्रा. टू इन एड्रेस, कन्फेस, रेड्रेस, ट्रांसग्रेस एंड थ्री इन credentials, sacrifice, tarpaulin, etc. Four in retribution, satisfaction. और क्या बोलते हैं इधर, और क्या है satisfaction के बाद, translatic, and even five in words like conglomeration. तो फिर stress and rhythm उसको बोला जाता है जहां पे एक या वर्ड्स जैसे कि दो सिलेबल वाले, तीन सिलेबल वाले, चार सिलेबल और पांच सिलेबल वाले वर्ड्स भी होते हैं. नेक्स्ट है देखो एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस आर द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड, फ्रेज और टेक्स्ट. शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसको एब्रीविएशन कहा जाता है. जैसे कि एम ए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, पी एम, पोस्ट मेरिटियन, बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, एम एस, मैन्यूस्क्रिप्ट. तो ये सब चीजें होती है एब्रीविएशंस. एफ आई सी सी आई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. फिर मिस्टर, एम आई एस टी आर को कैसे लिखते हैं, एम आर. डॉक्टर को डी आर. के जी यानी किलोग्राम, एल बी यानी पाउंड्स, एम मतलब मीटर, एफ टी मतलब फीट, वाई डी मतलब यार्ड. ऐसे क्या बोलते, केमिकल सिंबल्स भी हो सकते हैं. सी ए मतलब कैल्शियम, एच मतलब हाइड्रोजन, एन ए सी एल मतलब सोडियम क्लोराइड, एच टू ओ मतलब वाटर. Plural in abbreviations. The general rule to make a abbreviation plural to repeat the same alphabet, such as P, page, PP, pages. Phir dekho, it can be made plural by adding S if abbreviations is more than one alphabet, such as MAs, MPs, CAPTS, CAPTS. Any? MAs मतलब मास्टर इन आर्ट्स जो था उसका, उसको प्लूरल बनाना. MPs मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्स. फिर क्या बोलते हैं, कैप्स यानी कैप्टन्स. हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल. मिस्टर व्हिच इज MR व्हिच इज मेसर्स इन प्लूरल एंड क्या बोलते, कैन नॉट ऑब्वियसली बिकम मिसेज. मिसेज तो बन नहीं सकता ना एस लगा के, तो ये एक एक्सेप्शन है.
abbreviation of scientific terms denoted both singular and plural in the same form. For example, 1 kg, 4 kg, etc. तो इधर s नहीं लगा सकते. तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी. Idioms and phrases. A simple word like go is a part of a child's vocabulary. So much so that the primitive Bushman had an equivalent for it in his language. But look at the following sentences. Yani, ek bacche ke dictionary mein bhi go jaisa word hota hai. Itna hi ki ek primitive, matlab backdated Bushman, ye jo pehle ke zamane mein jo cavemen rehte the, jungalon mein, gufaon mein rehte the, wo log ke paas bhi equivalent word hota tha unke apne language mein. तो हम लोग देखते हैं. एवर गॉट अ मुंबई नंबर एट फर्स्ट गो? ही इज ऑलवेज ऑन द गो. गो इज नो लॉन्गर सिंपल वर्ड फॉर अ चाइल्ड्स वोकैबुलरी. ये एक क्या बोलते हैं, चाइल्ड के डिक्शनरी में अब और एक इजी लैंग्वेज नहीं रह गया. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which does not make a complete sentence. Phrase ek kya bolte group of words hota hai, ek part of sentence hota hai which does not make a complete sentence, jo ek complete sentence nahi banata but has an independent meaning and makes some sense. Iska ek independent meaning hota hai aur iska koi sense banta hai. On the hill, about town, kya bolte hain, under the tree, etc. ye sab phrases hain. A phrase is quite often equivalent to an adjective, adverb or noun. Ek phrase quite often equivalent hota hai adjective ke, adverb ke or noun ke. We would here, however, confine ourselves to phrases which is used idiomatically. Matlab aise phrases ko use karenge jo idiomatically hame dikhe. जैसे कि एग्जांपल देखो, बीट बैक, कंपेल्ड टू रिट्रीट. द फायरमैन वर बीटन बैक बाय द फ्लेम्स एंड द बिल्डिंग वाज रिड्यूस्ड टू एशेस. मतलब जो फायर फाइटर्स है उनको आग ने ऐसा धक्का मारा कि बीटन बैक मतलब इनको मजबूर कर दिया रिटर्न करने पे और बिल्डिंग जल के खाक हो गई. बॉइल डाउन टू अमाउंट टू. His entire argument boiled down to the fact that he wouldn't join the movement unless he saw some monetary gain in it. Matlab, it amounted to is jagah pe ki wo apna personal monetary gain ke bina movement join nahi karega. Ye cheez aap log go through karoge, sare examples hai idioms ke. सारे तो हम पढ़ नहीं सकते आप लोगों के लिए, ये आपको घर में करना पड़ेगा. ये सारे idioms हैं जिनको हम लोग हिंदी में मुहावरे भी कहते हैं. These are all idiomatic phrases. You have to go through these at home. देखो proverbs. Proverbs contain home truths as well as universal truths. Naturally, therefore, there are translatable so far as their meaning goes from one developed language to another. Yani ek language se dusre developed language mein jana. Their appeal is direct. Ye directly appeal karte hain. Many of them had their origin in folk literature. ज्यादा करके फोक लिटरेचर से इनकी ओरिजिन होती है या हुई थी. हेंस दे आर सिंपल एंड अनअडॉर्न्ड. मतलब ये सिंपल भी है या इनको अनअडॉर्न्ड भी है. दे पॉइंट आउट द इनकंग्रुएंसीज यानी इनअप्रोप्रिएटनेसेस क्या बोलते हैं नेस ऑफ सिचुएशन इन लाइफ. लाइफ के सिचुएशंस का ये फ्लॉस को निकाल के लाते हैं. देखो एग्जांपल देखो. होप स्प्रिंग इटर्नल इन द ह्यूमन क्या बोलते हैं ब्रेस्ट. वन नेवर लूजेस होप. मतलब होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट. मतलब इंसान को अपने मन में हमेशा होप
या आशा को बचाए रखना चाहिए. बेटर लेट देन नेवर. कभी नहीं से तो देर से होना बेटर होता है. फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड. मतलब सेड ऑफ रेकलेस पर्सन. फूल से बेवकूफ ही होगा जो मतलब जल्दबाजी करता है जहां पे, यहाँ तक कि एंजल्स यानी परियां भी डरती है जाने से. उसको सिर्फ एक बेवकूफ ही करता है क्योंकि उधर तो टाइम लगता है ना, सोच समझ के प्लान बनाकर करना पड़ता है. तो ये सब भी लिस्ट ऑफ डिफरेंट फ्रेजेस है, ये भी आप लोगों को घर में ही पढ़ने पड़ेंगे. साइड में सबके मीनिंग्स दिए हुए, अगर सब अगर पढ़ाने जाए तब तो क्लास खत्म ही नहीं होगा. इसलिए ये सब एग्जांपल्स आप लोग गो थ्रू करोगे घर में. फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस. इंग्लिश हैज बोरोड जेनरसली फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, मोर सो फार फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच एंड जर्मन. मेनी ऑफ द बोरोड वर्ड्स हैव बीन एंगलाइज्ड एंड टूडे क्या बोलते हैं टूडे एंड integral part of English vocabulary in their original or modified form. मतलब ये सब दूसरे languages लेके ये modify भी हुए हैं और English vocabulary ऐसे बनी है अपने modern form में. Restaurant, rapo, क्या बोलते हैं viva voz, क्या बोलते हैं ये सब कुछ अलग अलग जगहों से आए हैं. ऐसे बहुत कुछ बहुत से words हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में जो दूसरे ओरिजिन से भी आए हैं. जैसे कि देखो ab initio, ab initio मतलब फ्रॉम द बिगनिंग. इनिशियो इनिशियो इनिशियल जैसा नहीं लगता है, इनिशियल यानी बिगनिंग या स्टार्टिंग. ab initio मतलब फ्रॉम द बिगनिंग. ab ओरिजिन तो होता है फ्रॉम द ओरिजिन. उसी तरह ये सारे एग्जाम्पल है, आप लोगों को सब गो थ्रू करना पड़ेगा. ये सारे एग्जाम्पल्स घर में आप लोग पढ़ना, गो थ्रू करना है, सब लर्न करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है. एब्रीविएटेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स. एन एब्रीविएशन इज अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग क्या बोलते हैं अ वर्ड और अ फ्रेज दैट कुड बी रिटन आउट इन फुल, जो कि फुल लेंथ में लिखा जा सकता था. द वर्ड एब्रीविएशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एब्रीविएट यानी टू शॉर्टन, विच इज रिलेटेड टू क्या बोलते हैं ब्रिवी. ब्रिवी मतलब शॉर्ट. वाइल सम पीपल डिसएग्री All methods of shortening words or phrases are subsets of abbreviation. मतलब ये इनके नीचे आते हैं. Abbreviations, when used properly, can be enhance क्या बोलते हैं communication because they act as shorthand and therefore increase the efficiency of communication. ये efficiency को बढ़ा देते हैं communication के. In other words, more meanings is conveyed in less time and fewer words. तो more meanings convey होते हैं less time में और fewer words में. Abbreviation is defined as a shortened form of word or phrase used for brevity in its place, consisting of the first letter or the first few letters of the word followed by a period and full stop. Several British universities. So, yeah. Things to remember while using abbreviations. Do not use an abbreviation if it can be easily be avoided. मतलब जब जहाँ पे abbreviation avoid किया जा सकता है वहाँ मत use करो. In an abbreviation, use full stops and capital letters in conventional way. Full stop and कैपिटल लेटर्स कन्वेंशनल वे में यूज करो. मतलब फुल स्टॉप के बाद कैपिटल से शुरू होगा, एक सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद क्या बोलते हैं खत्म होता है फुल स्टॉप से, ये सब चीजें. डू नॉट फॉरगेट टू पंक्चुएट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस नॉर्मली. बाकी सेंटेंस को नॉर्मली पंक्चुएशन मार्क्स यूज करो अपने ग्रामर ठीक रखने के लिए.
लैटिन एब्रीविएशंस ए डी यानी एनो डोमिनी, बी सी यानी बिफोर क्राइस्ट, ये सब चीजें होता है, सी यानी सिरका यूज्ड बाय हिस्टोरियंस, इट वाज अप्रोक्सीमेट. ये सब लिस्ट ऑफ क्या बोलते हैं एब्रीविएशंस है, ये भी आप लोगों को घर में पढ़ना पड़ेगा. चैप्टर यहीं तक का था. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया. यस सर.